तो भाई फाइनली 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 साल की सबसे मच ऑर्डर फिल्म मैंने प्रभास की आने वाली फिल्म मैंने कल की 289 रेडी से बेरवा एक्स बुजी का टीजर लिस्ट कर दिया गया है। तो कैसा है ये टीजर? सबसे पहले तो अगर मैं पूरे टीजर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स ए बवाल टीजर। मजा आ गया देखकर, क्या ही उन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किए हैं। मतलब पता है कि ये VFX एंड CGI है लेकिन बिल्कुल भी फेक नहीं लगता, एकदम रियल जैसा लगता है। भाई प्रभास का यानी बेरवा का कॉस्ट्यूम भी काफी अच्छा था। वहीं अगर हम बुजी के बारे में बात करें तो बुजी है इसमें एक AI का जो कि प्रभास को ये बताती है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए या फिर नहीं। और ये जो पूरी कार है ना जो कि इन्होंने बनाई है वो बहुत बढ़िया थी। हाँ इस कार की बहुत ज्यादा फुटेजेस नहीं है लेकिन जितनी भी है उसमें ये कार काफी अच्छी दिख रही है। बुरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक ही बोलूंगा मैं इसे, ठीक ठाक से थोड़ा ऊपर। वैसे कुछ सोर्सेज की माने तो इस कार को बनाने में लगभग 7 करोड़ रुपए लगे हैं। और एक फैक्ट ये है कि इस फिल्म की पूरी टीम ने महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर इस कार को डिजाइन किया है, इस कार को बनाया है और क्या ही बनाया है। लेकिन यार इस फिल्म के मेकर्स क्या ही कर रहे हैं, पहले इन्होंने बोला कि 6 बजे टीजर आएगा, फिर बोला 7 बजे आएगा और प्रीमियर भी लगा हुआ था लेकिन फिर भी टीजर डिले पर डिले होता चला गया। और फाइनली अब जाकर 10 बजे टीजर आया है, और आया तो आया लेकिन हिंदी में नहीं आया, सिर्फ ये टीजर तेलुगु में ही आया है। हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना दूं उसके बाद आए। फिल्म के मेकर से यार इतना ही कहना है कि ऐसा मत करो, मैं 6 बजे टीजर देखने के लिए बैठा कि अब टीजर आएगा लेकिन टीजर अब जाकर आया है। वैसा ऐसा इवेंट के कारण भी हो सकता है क्योंकि अभी रामोजी फिल्म सिटी के अंदर एक ग्रैंड इवेंट भी था और वहां पर प्रभास की भी एंट्री हुई इसी कार में, तो हो सकता है कि उसी कारण से ये टीजर डिले हुआ। कोई नहीं, हुआ तो हुआ लेकिन जो चाहिए था वो मिला है। ओवरऑल बहुत अच्छा था टीजर, हाँ लेकिन कुछ कुछ जगहों पर VFX मुझे थोड़ा फीका भी लगा। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वैसे आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।